तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों आज हम जिस जगह घूमने गए थे उस जगह का नाम है बातू की लड़ी। ये हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। दोस्तों हम जैसे ही वहाँ पहुँचे पहले तो हमने भगवान जी के दर्शन किए, उसके बाद हम वहाँ की बनावट को देखकर थोड़े से आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पूरा ही मंदिर पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया था और उसमें विभिन्न प्रकार की कलाकारियाँ दिखाई गई थी। जो मंदिर उसका ऊपरी सिरा भी पूरा पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया, जो कि देखने में एकदम हैरानदायक लगता। जय भोलेनाथ। पिंकू लोमा मत पिया, भगवान श्री कृष्ण ने बोलिया। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं मंदिर के पिछले भाग में देखने के लिए गया और वहाँ पे दोस्तों खिड़की में से बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा दिख रहा था, जिसे देखकर एकदम दिल बागबान हो रहा था। उसके बाद दोस्तों अगर अंदर देखें तो इतनी सफाई नहीं थी, क्योंकि मान्यता के अनुसार यहाँ पे 6 महीने बाद ये मंदिर पानी में समाहित हो जाता है जब पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो दोस्तों मेन मंदिर के बाहर आते ही हमने देखा कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद हम भी चल दिए थोड़ी फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए और जहाँ से हमें बहुत प्यारा व्यू मिले तो साइड में हमें एक इमारत दिखी जिसमें पौड़ियाँ थी। हम उधर से ऊपर की ओर चढ़ने लगे ताकि हमें दोस्तों कबूतर ही कबूतर हैं इधर, वो कबूतर के अंडे यहाँ देख लिए भाई जी, कबूतर के अंडे, कबूतर के अंडे भी हैं यहाँ पे। चल रहे हैं हम ऊपर की ओर, कबूतर पंख ही कोयल ऊपर से हमें बहुत ही प्यारा व्यू मिल रहा था। वहाँ से पूरा मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा था और आसपास की जगहें भी बहुत ही साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि वो इमारत काफ़ी ऊंचाई पर थी। तो दोस्तों वहाँ से लोग कश्ती पर से आ रहे थे। तो अभी हम फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन है ये देखिए आप। यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है और यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों को मैं देखता नहीं दोस्त, आपको पता ही है। दोस्तों नहीं पिंकू नहीं है मेरा नाम भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बीच में जो है एक बड़ा मंदिर है और साइड में ये देखिए ये गुंबद नुमा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इमारतें कह सकते हैं आप इनको। ये छोटे मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं और बीच में एक था, शायद वो पानी के कारण थोड़ा नष्ट भ्रष्ट हो गया है, और एक वो बिल्डिंग साइड में। दोस्तों बड़ा ही प्यारा है यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से तो शूटिंग वगैरह के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है ये, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों अभी तो दरअसल यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो लोग जो हैं उधर से नाव लेकर आ रहे हैं, दूसरी साइड से उधर नाव लगी हुई है और यहाँ तक आकर फिर आगे घूमने लग जाए। तो ये थी हमारी बातू की लड़ी जिसे हम कहते हैं। और इसकी अगर हम आपको स्टोरी की बात करें तो पांडवों ने ये मंदिर बनाया था, लगभग 500 या 1000 साल पुराना ये मंदिर है। मान्यता ये है कि 6 महीने जब सर्दियाँ होती हैं या बरसात का मौसम होता है तो ये मंदिर पानी में पूरी तरह समा जाता है और इसका जो ऊपरी भाग है केवल वो दिखाई देता है, वो भी कई बार, और बाकी तो ये पूरा समा जाता है। और गर्मियों में इस टाइम जब पानी नीचे उतरता है तो ये मंदिर सामने आ जाता है दोस्तों। तो ये रहा बातू की लड़ी और दोस्तों ये रहा यहाँ का व्यू। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वहाँ से फिर हम आगे चल दिए एक टापू की ओर, जहाँ पे हम और ज़्यादा फोटोज़ वगैरह और वीडियो क्लिक कर पाएँ, इसलिए जाते समय हमें वहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू मिल रहा था बोट पर से,
जो कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे चल दिए टापू की ओर। तो दोस्तों, लुक्का भाई हमारे लेटे हुए हैं, धूप का मजा ले रहे हैं, है ना भाई? वो भी भाई फोटोग्राफी करे। और दोस्तों, ये रही बाथू की लड़ी, अब हम जा रहे हैं टापू पर। तो दोस्तों, अब हम कर रहे हैं बोटिंग, और ये रहे हमारे चालक, देखिए। अब हम जा रहे हैं टापू की ओर, वहाँ पे हम फिर से टापू है जिसका है दर्जा नहीं आ जाएगा। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, ये है हमारी बातों की लड़ी, यहाँ से अलग व्यू आ रहा है, जो हमने फोटोज क्लिक करी थी वहाँ से अलग आ रहा है। और ये देखिए, अब तो बड़े ज़्यादा लोग जमा हो चुके हैं इधर। और दोस्तों, ये है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये हमारी बोट है, और अब हम इस छोटे से टापू पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे देखने के लिए वैसा ज़्यादा तो है नहीं कुछ। और वो देखिए आगे, यहाँ पे पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से जो है, ये देखिए बाथू की लड़ी, जो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।